GTA 5, लेकिन आज के दिन जो हमारा पूरा लॉस सैंटोस है वो एसिड वाटर से भर चुका है। और ये क्या यार, इस एसिड वाटर को छूते ही हमारा हेल्थ कितना ज़्यादा तेज कम हो रहा। तो इसी वजह से आज के दिन हम लोग ये शानदार सा पार्कोर चैलेंज करने वाले हैं। और अगर हम लोग इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो याच पे रखा हुआ सारा पैसा है ये हमारा होगा। तो चलो भाई, जो हमारा पार्कोर रेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और तुम लोग देख सकते हो यार, हमें कितना ज्यादा ऊंचा चढ़ाई करना है। तो चल फ्रैंकलिन, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आराम आराम से इन सब रैंप्स के ऊपर चलते हैं। और भाई यार, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उस याच के ऊपर रखे हुए सारे के सारे पैसों को जीतना है। तो चलो यार, जल्दी से हम लोग इस वाले रैंप पे भी चलते हैं। और फ्रैंकलिन एकदम संभल के, हमें किसी भी तरह उन सारे पैसों को तो लेना ही है। चलो भाई लोग, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से इस वाले जगह पे आ चुके हैं। और ये देखो यार, शायद से हमें इस वाले बस पे जंप करना है। तो चल फ्रैंकलिन, जल्दी से जंप करते हैं। अरे यार, हम लोग तो इस पूल में गिर चुके हैं। सेट भाई, तुम लोग देख सकते हो कि जो हमारी एक लाइफ है वो जा चुकी है। और अगर हमारी पांचों की पांचों लाइफ चल जाती है तो फिर हम लोग ये चैलेंज हार जाएंगे। चलो फ्रैंकलिन, तो अब हमें बिल्कुल भी अपनी लाइफ्स को नहीं गवाना है। तो चलो हम लोग इसमें चलते हैं। और ये देखो यार, बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यार, अब शायद से हमें इस बस के ऊपर चढ़ना है। और ये देखो यार, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अब हमें शायद से इस लकड़ी के ऊपर चलना है। बहुत सही फ्रैंकलिन, कहीं भी हमें गिरना नहीं है। ओके, आराम से, बहुत सही। चलो भाई, तो इन सब लकड़ियों को चढ़ते हुए हम लोग इस कंटेनर के ऊपर आ चुके हैं। और ये देखो यार, ये जो पूरा पार्कोर कोर्स है ये कितना ज्यादा हार्ड है। ओके, आराम से कूदते हैं। बहुत सही, बहुत सही। एक और कूदना है। अरे फ्रैंकलिन, क्या दिक्कत है यार। ये देखो यार, अब हमारे पास सिर्फ 3 लाइफ और है। तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। और इस बार मैं जो है गन का भी मदद लेने वाला हूँ, आराम से। ओके ओके, बहुत सही फ्रैंकलिन, लास्ट वाले पे भी कूदते हैं। और यस यार, चलो भाई, तो अब हमें बिल्कुल भी अपनी लाइफ्स को नहीं गवाना है। लेकिन ये क्या यार, यहाँ पे तो हमें एक सीधे वॉल पे चढ़ाई करना है। चलो फ्रैंकलिन, तो आराम से हम लोग इस टाइट रोप पे चलते हैं। और यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा। अरे यार भाई यार, ये जो चैलेंज है ये तो मेरी सोच से काफी ज्यादा हार्ड होते जा रहा। तो यार, अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइफ और है। यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आराम से, बहुत सही फ्रैंकलिन, क्या बात है यार, आज मैं पक्का तुम्हें पार्टी दूंगा अगर तुम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। ओके, आराम से, यहाँ पे एक मोड़ है। ओके फ्रैंक, बहुत सही। चलो भाई, तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। और यस यार फ्रैंकलिन, तू क्या शानदार चीज है। तो चलो यार, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखो भाई, अरे यार, हम लोग इसमें गिर ना जाएं। तो चलो आराम से हम लोग इसमें कूदते हैं। बहुत सही, अब हमें किधर जाना है। ओके, अरे फ्रैंकलिन संभल के यार। तो भाई, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ सामने जंप करना है। तो 3, 2, 1 और चलो कूदते हैं। ओ यार भाई, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज्यादा डर लग रहा। और ये देखो यार, वो जो हमारे पैसे हैं, हम लोग उनके कितने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। तो चलो यार, इन सब बॉक्सेज के ऊपर चलना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है यार। किसी भी तरह मैं इस चैलेंज को तो जीतूंगा ही। लेकिन यार, हमें फिर से इस बॉक्स में जंप करना है। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार तू। ओके, तो चलो अभी बस थोड़ा सा दूरी और हमें कवर करना है। बहुत सही यार, हम लोग इस बॉक्स में आ चुके हैं। ओके, आराम से। चलो भाई, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ चुके हैं। तो अब हमें शायद से इस पाइप में कूदना है। तो चलो कूदते हैं। और फ्रैंकलिन क्या बात है यार, तुम तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो भाई।
क्या बाल बाल बचे हैं हम लोग। और ये देखो यार, ये तो बहुत ही खतरनाक बिजली के तार हैं, हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और शायद से अब हमें सामने यहाँ पे कूदना है, तो चलो इस पे कूदते हैं। यार फ्रैंकलिन एकदम संभल के, हमारे पास सिर्फ 2 लाइफ और बचा है। चलो भाई, तो अब हमें इस सामने वाले लकड़ी के पीस पे कूदना है। ओ भाई, गिरते गिरते हम लोग बचे हैं। ओके, तो एक और बचा है, हमें इस पे कूदना है। अरे फ्रैंकलिन, क्या कर दिया यार तूने। भाई लोग, अब हमारे पास सिर्फ 1 लाइफ और है, और अगर हम लोग फिर से इस एसिड वाटर में गिरते हैं तो हम लोग कभी भी उस याच के ऊपर रखे हुए पैसों को नहीं जीत पाएंगे। तो फ्रैंकलिन, अब हमें बिल्कुल संभल के खेलना है। तो चलो यार, जल्दी से सामने चला जाए। ओके, आराम से। तो अब हमें इस कंटेनर में कूदना है, और मैं सेफ्टी के लिए गन को रख लेता हूँ। तो चलो कूदते हैं। ओ यार, बहुत ही मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अब हमें वापस से इस बस के ऊपर चढ़ना है। और ये देखो यार, हम लोग अपने जीत के कितने ज्यादा नजदीक हैं। सामने ही रहा हमारा फिनिश लाइन। तो चलो यार, आराम से हम लोग चलते हैं। और यार, मेरे ख्याल से ये जो झाड़ी है, हमें उसके ऊपर कदम नहीं रखना है। तो चलो यहाँ पे कूदते है। यार हम लोग अपने जीत के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो चलो भाई लोग, अब हमें बस एक और ये खतरनाक सा टाइट रोप पार करना है, और उसके बाद ये जो सामने रखे जितने भी पैसे हैं वो हमारे होंगे। तो आराम से फ्रैंकलिन, ये हमारा लास्ट चांस है। भाई लोग, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये देखो यार, हम लोग अपनी जीत के कितने ज्यादा करीब है। ओके, हमें बस इसे चढ़ना है। और यस यार, हम लोग इस जो पूरा स्टंट रेस है उसे कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलो भाई, अभी भी हमारे पास एक दिक्कत और है, हमें अपने पैसों को लेने के लिए इस सामने वाले याच तक पहुंचना होगा। और ये देखो यार, मेरे पास तो एक शानदार सा पैरासूट है। तो चल फ्रैंकलिन, जल्दी से इस पैरासूट की मदद से हम लोग उस याच तक पहुंचते हैं। और क्या लगता है, हम लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे? और यस यार, मैं तुमसे क्या ही बताऊं, मैं कितना ज्यादा खुश हूं। तो मेरे ख्याल से भाई, जो हमारे पैसे हैं वो इस ऊपर वाले फ्लोर पे होंगे। और ये क्या भाई, यहाँ पे कितने सारे पैसे हैं। यार मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने सारे पैसों को नहीं देखा था। यार मेरे ख्याल से ये लगभग $50 मिलियन तो आराम से होंगे। तो चलो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एंड जय हिंद।